यह है वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य को हटाने की गई मांग। जी हां, बता दें, लाचार स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में धरने पर गए कई संगठनों के पदाधिकारी प्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पर भ्रष्टाचार की भी आरोप लगाए हैं। फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान मजदूर सभा और अन्य कई संगठनों ने मेडिकल कॉलेज में अनियमितता और बच्चों के उपचार में लापरवाही बरतने के मामले में प्राचार्य को पद से हटाने की मांग की। धरने पर शामिल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। कांच और चूड़ी मजदूर सभा, चाणक्य फाउंडेशन, सामाजिक परिवर्तन दल और नौजवान समाज सेवा सोसाइटी के पदाधिकारी रामलीला मैदान में सांकेतिक धरने पर बैठे। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य संगीता नेजा प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहीं। जी हां, बता दें, चाणक्य फाउंडेशन के अखिलेश शर्मा ने कहा कि प्राचार्य संगीता नेजा के कुप्रबंधन के कारण ही मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल पीड़ित बच्चों को सही से उपचार नहीं मिला। इस कारण कई परिवारों के चिराग बुझ गए। वहीं श्रमिक नेता रामदास मानव ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की, अन्यथा की स्थिति में जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। ये हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना है। इसमें मुख्य रूप से जो फिरोजाबाद में पिछले एक लंबे समय से डेंगू महामारी से हमारे लोगों की जानें जा रही हैं और वो डेंगू जो पहले शहरी क्षेत्र में था, आज जिले के प्रत्येक गांव में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस डेंगू महामारी से बचाव के लिए, डेंगू से रोकथाम के लिए और समुचित उपचार के लिए हमने ये धरना का कार्यक्रम किया है। इसके बाद जिन लोगों की डेंगू में जाने गई हैं, ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाने के लिए, जो लोग डेंगू से उपचार कराने में जिनके परिवार में आर्थिक तंगी हो गई है, उन सबको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। लगभग कितनी? देखिए प्रिंसिपल साहब, तो सरकारी आंकड़ों में जो चिकित्सालय के गेट पर जिसकी मौत हो गई उसका रिकॉर्ड किसके पास है? मौत का आंकड़ा जो बेड पर मरने वाला व्यक्ति है और बच्चा है, केवल उसका ही आंकड़ा बताएंगे? अगर उनको इतनी आंखों में शर्म होती तो जो मरघटी है हमारे जिले में, उन मृत जो दाह शवदाह हैं उन पर एक रसीद कटती है। उस रसीद के आकलन से हम ये चिट्ठा इकट्ठा कर सकते हैं कि कितने लोगों की वास्तव में डेथ हुई है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या किया जाएगा? देखिए आज हमारा ये सांकेतिक धरना है, इसके बाद हम कल कैंडल मार्च निकालेंगे, इसके बाद लोगों में जागरूक करेंगे और इसके बाद भी सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी और प्रशासन को यहाँ पर बदलाव नहीं करेंगे मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि लोगों की मौतें रुकनी चाहिए, लोगों के जीवन से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। हम केवल जो व्यक्ति मर जाता है उसके घर आंसू पहुंच जाकर हम केवल रोवाएं और उसको ढाढ़स बता दें, ये क्रम टूटना चाहिए। हम तो आंसू कौन पहुंच रहा है? आंसू हमारे फिरोजाबाद के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, माननीय विधायक सदर, ये केवल हमदर्दी में आंसू पहुंचने जाते हैं। सदर, ये केवल हमदर्दी में आंसू पहुंचने जाते हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर आप मरीजों के साथ हैं तो डेंगू का खात्मा कराने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि फिरोजाबाद जिले में किसी की भी उपचार के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो तो चाहते हैं कि लोगों की मौत हो और हमको वहां जाने का मौका मिलना चाहिए। मतलब अखिलेश शर्मा, अखिलेश जी, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं और किसके खिलाफ धरना है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे फिरोजाबाद में जब आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जो है साफ निर्देश दिए थे कि एक भी मरीज फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज से वापस नहीं जाना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा भी था कि प्राइवेट अस्पताल में भी अगर यहां से भेजा जाएगा तो उसका भी पेमेंट जो है सरकार करेगी, ऐसा कहा गया था। और कोरोना काल में जैसे होटल बुक किए गए थे और मरीजों को रखा गया था और वहां भी इलाज की व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस समय मरीज जो है आपने देखा होगा कि 200 लोगों की लाइन लगी हुई है। बाबा के हाथ में नाती, माँ के हाथ में पुत्र और पिता के हाथ में बेटे की मौत लाइन में लगे लगे हो जाती है और उस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक अपने घरों में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए उस समय में पाए जाते हैं जबकि दरवाजे वहां पर लाइन लगी है चैम्बर के बाहर और वो अपने
जो है रूम में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब जो है देखा जाता है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर हम लोग जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ज्यादातर पर ताला लगा हुआ है। आज भी इतनी विषम परिस्थितियों में जब जो है दिल्ली की भी टीमें आ रही है, यहाँ पे प्रमुख सचिव का भी दौरा हो चुका है, कमिश्नर साहब कई दौरे कर चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन में बिल्कुल भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रिंसिपल साहब के ऊपर राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री तुम्हारे एजुकेशन मुख्यमंत्री महोदय का दौरा हो गया, उनको सामने जो है नई व्यवस्थाएं की गई थी, रात में एसी लगाकर सेट किए थे, कई उपकरण लगा करके सेट कर दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिखाने के लिए। उसके बाद सब व्यवस्थाएं बिल्कुल ज्यों की त्यों हो गई हैं, हालात बहुत खराब हैं और मरीज हमारे प्रतिदिन जो खत्म हो रहे हैं। क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री के दौरे के बाद फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के भी आए थे, तो क्या लगता है कि ये केवल राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल जो है राजनीति नहीं चमकनी चाहिए, लेकिन जो भ्रष्ट प्रिंसिपल है जिसकी तानाशाही के चलते ये सब हो रहा है उसको हटाना चाहिए। ये व्यवस्था तभी व्यवस्था हो पाएगी, अन्यथा वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संगीता अनेजा का ट्रांसफर होना, क्योंकि जो है पूरे जिले को कठपुतली इस समय संगीता अनेजा बनाए हुए है। ये नगर विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री और आपके जो है जो स्वास्थ्य मंत्री, इन लोगों से सीधे बात कराती है। इतनी पावरफुल भस्मासुर की तरह शक्तियां प्राप्त मैडम ने कर ली है और हमारे नगर विधायक जी उनके पक्ष में पूरी तरह से अपने आप को जो है समर्पित कर देते हैं हर बात में। जहां भी जो है अस्पताल के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अगर पेशेंट का डेंट बोलता है तो उसको विधायक जी साहब हड़काते हुए नजर आते हैं, और अगर कोई पत्रकार छापता है तो उसके खिलाफ शिकायत करते हुए नजर आते हैं। अमर उजाला ने कोई खबर सही छापी थी उसके खिलाफ भी जो है विधायक जी ने लिखित में शिकायत की है। ये भ्रष्टाचार का जो आचरण है वो एक जातिगत तरीके से चल रहा है, एक गैंग पूरा फिरोजाबाद में चल रहा है और वो गैंग मंत्रियों से लेके एक ही जाति के मंत्री, एक ही जाति के विधायक, एक ही जाति के प्रिंसिपल, ये सब पूरा एक पंजाबी गैंग बन करके हमारे हॉस्पिटल को लूट रहा है, जिले को लूट रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर केवल लूट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अगला कदम क्या होगा आपकी मांगे? अगला कदम ये होगा कि कल तो कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, हमने पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग भी रखी है हमने, कि जिनके घर का चिराग बुझ गया है और बुजुर्ग माँ बाप बचे हैं उनके घरों के लिए हम लोगों ने मुआवजा भी मांगा है। और अगला कदम हमारा आमरण अनशन का होगा और वो बहुत बृहद होगा, ये तो सांकेतिक है, आज संकेत दिया गया है। इसके बाद एक आमरण अनशन बहुत जल्द चालू होगा जिसमें करीब करीब 20 संगठन हमारे साथ शामिल होंगे और अच्छे संगठन होंगे, बहुत मजबूती के साथ होगा।